अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम साइन अप करेंगे फाइवर के ऊपर एज अ सेलर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से आप एक अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम चलेंगे fiverr.com के ऊपर। इसका लिंक मैंने साथ अटैच भी किया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हम आ चुके हैं fiverr.com के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, बिजनेस एक्सप्लोर, PKR, बिकम अ सेलर, साइन इन एंड ज्वाइन। आपने सिंपल क्लिक कर देना है बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो नज़र आएगी जिसके ऊपर आपको इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है और स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे क्लिक करना है बिकम अ सेलर के ऊपर और कुछ इस तरह से पॉप अप विंडो आपके सामने नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड ईमेल बनाई हुई है, उस ईमेल को मैं सिंपल उसको यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल यहाँ पे इनपुट करता हूँ। मेक श्योर कि आपने अपना वो ईमेल यहाँ पे यूज़ करना है जिसका पासवर्ड और सारी चीज़ें आपके पास हों और आपके एक्सेस में हो, किसी दूसरे की ईमेल आपने यूज़ नहीं करनी। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टेप आ जाता है यूज़र नेम। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यूज़र नेम आपने इस तरह का चूज़ करना है जो आपकी स्किल को भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता हो। लेट्स सपोज अब मेरी स्किल है वेब डेवलपमेंट, तो मैं कह सकता हूँ एहसान अंडरस्कोर वेब डेवलपर, या वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है, या मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ एहसान दानिश। तो आप भी अपना नाम रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप ऐसा नाम चूज़ करें जो आपकी स्किल को भी रिप्रेजेंट करे और आपने उस तरह का नाम चूज़ करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा जो है वो अवेलेबल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एहसान अंडरस्कोर वर्डप्रेस। तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी टेकन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, सेकंड नेम, और यहाँ पे ये अवेलेबल है आई गेस। ओके, मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ड ही आप यूज़ कर सकते हो, एक एक्सीड लिमिट नहीं कर सकते आप। तो मैं यहाँ पे एक एस मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एच लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है और अब मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड सेटअप करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना पासवर्ड सेटअप और उसके बाद सिंपल क्लिक कर दूँगा ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन आ गया है कि अपना जो अकाउंट है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जीमेल के ऊपर चलता हूँ और वहाँ पे मुझे एक ईमेल आई हुई होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आप अपना फाइवर अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लें। तो सिंपल मैं चलता हूँ अपने जीमेल के ऊपर तो हम आ चुके हैं जीमेल के ऊपर और यहाँ पे देखें fiverr.com की तरफ से ऑप्शन आया हुआ है कि एक्टिवेट योर अकाउंट। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा फाइवर के ऊपर और हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका होगा। इसको मैं कट कर देता हूँ अगेन और यहाँ पे देखिए हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब ये हमसे कह रहा है कि एडिट योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के सेटअप करें। तो सिर्फ यही कुछ आपको करना है एक फाइवर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के हम देखेंगे कि इस जो प्रोफाइल हमने क्रिएट की है इसकी सेटिंग्स किस तरह से आपने करनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको करनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।